हेलो स्टूडेंट। तो एज द लास्ट लेक्चर में हमने पाथ डिपेंडेंट लिमिट देखे थे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में इतना ही बताता हूँ आपको। अगर एक्स और वाई देके रखा हो और बोला हो यूज पोलर कोऑर्डिनेट, सो आई टू जस्ट रिप्लेस एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, दूसरी बात, अगर एक्स टेंड्स टू जीरो y tends to 0 implies r tends to 0, क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये r 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 होगी तो ये r 0 की तरफ जाएगा, इन शॉर्ट। ओके, ध्यान में रखना। सो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ओके, सो द नेक्स्ट, यूज पोलर कोऑर्डिनेट इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट। ओके, सो यहाँ पे मैंने पहले बताया कि लेट पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y is equal to r sin theta, so limit r tends to 0, ये हो जाएगा r cube cos cube theta plus r cube sin cube theta upon r square cos square theta plus r square sin square theta, okay? So r cube common ले लो, cos cube theta plus sin cube theta upon आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, सो इट विल बिकम वन। देयरफॉर एज अ लिमिट आर टेंड्स टू जीरो, आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर और ये कैंसल, तो यहाँ पे बचता है आर इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। अब आर की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, सो आर लिमिट इज जीरो। ओके, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, और दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल पेंडिंग है, सो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ जस्ट रिप्लेस या पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट आर टेंड्स टू जीरो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू लॉग आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ से फिर से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ बस बाहर के ब्रैकेट से, तो आई विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, लॉग आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से भी कॉमन ले लिया, सो इट विल बिकम वन, ये भी वन। सो लिमिट आर टेंड्स टू जीरो आर स्क्वायर इंटू लॉग आर स्क्वायर। अब एज आर टेंड्स टू जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, सो आंसर इज जीरो, ध्यान में रखना। नेक्स्ट वन, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू जीरो ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट आर टेंड्स टू जीरो ई रेज टू माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ जस्ट टेक आर स्क्वायर एज अ कॉमन, लिमिट आर टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अब देखो यहाँ पे अगर मैंने आर की वैल्यू जीरो यहाँ पे डाली या ऊपर डाली या नीचे डाली, तो मुझे आंसर मिलेगा जीरो अपॉन जीरो, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट। सो आई विल जस्ट यूज हियर लॉपिटल रूल। सो अकॉर्डिंग टू लॉपिटल रूल मुझे बस दोनों का डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस टू आर ई रेज टू माइनस आर स्क्वायर, आई होप डेरिवेटिव सबको आ रहे होंगे लेने, अपॉन टू आर, तो टू आर गेट कैंसल, माइनस ई रेज टू माइनस आर स्क्वायर। नाउ जस्ट पुट आर इज इक्वल टू जीरो,
e raise to 0 is 1, answer is minus 1. So minus 1 is our limit. ओके ध्यान में रखना, अगर कभी सिंगल वेरिएबल भी फंक्शन आए तो आप लॉपिटल रूल यूज कर सकते हो, बट इन डबल वेरिएबल नहीं. नेक्स्ट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन. ओके ओके, सो हियर पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y is equal to r sin theta. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट r tends to 0 sin r square cos square theta plus r square sin square theta upon r square cos square theta r square sin square theta. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट आर टेंड्स टू जीरो साइन आर स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ये आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन सिमिलर नीचे, तो हमने अभी एक यूज फॉर्मूला किया था लास्ट लेक्चर में आई थिंक, तो ये हो जाएगा साइन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज वन, हेंस प्रूव. ओके सो गाइस, ये थी अपने एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मैंने लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन देके रखा है, वहां पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे क्वेश्चन पूछो, तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा. ओके, तो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय.